हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू अभिमन्यु IAS। सो टारगेट IAS 2021 में आप सभी का स्वागत है। सो जैसा कि हम लोग स्टूडेंट्स इन सेशंस के अंदर करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं, और वो करंट अफेयर्स जो आपके प्रिलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे इन 2021 एग्जामिनेशंस। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो हम लोग इन सेशंस के अंदर मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे, यानी कि मोर देन वन ईयर्स के करंट अफेयर हम लोग कवर अप करेंगे इन द 70 डेज। ये हमारा 70 डेज का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है पावर्ड बाय द अभिमन्यु IAS। तो 70 डेज के अंदर हम लोग मोर देन वन ईयर्स के करंट अफेयर्स को बहुत ही एक प्रॉपर वेल्ड एक्सप्लेन मैनर से हर एक करंट अफेयर को हम लोग कवर अप कर लेंगे, और ये सेशन आपका बिफोर 2021 प्रीलिम्स बहुत इजीली फिनिश अप हो जाएगा। और आप लोग मेरे साथ बस बने रहें, क्योंकि ये सेशन अगर कॉन्टिन्यूटी में आप देखते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूँ, अभी तक हमने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर को कवर अप कर लिया है, यानी कि हम लोग 7 मंथ को ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, और अब हम लोग अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं। अभी तक का हमने एक सेशन अटेंड किया है, यानी कि एक लेक्चर अभी तक का आपका अक्टूबर 2020 के ऊपर लगा है, और आज हमारा जो 37th लेक्चर है वो भी अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही रहने वाला है। क्लियर है? तो अगर मैं एक अनाउंसमेंट भी करता हूँ यहाँ पे, आपको हर एक सेशन की PDF डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। क्लियर है? तो आज का हमारा 37th लेक्चर बेस्ड ऑन द 2020 करंट अफेयर्स को हम लोग शुरू करते हैं। और मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँ तो स्टूडेंट्स, माइसेल्फ करम अग्रवाल, आई एम द करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु IAS। तो लीजिए, हम लोग आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ को शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ रहती है सेक्शन 29 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका GS पेपर 2 के लिए। मैं एक और आपको अनाउंसमेंट करना चाहूँगा उन न्यूली लर्नर्स के लिए जिन्होंने अभी मेरा रिसेंटली सेशन को देखना शुरू किया है। हम लोग हर एक स्लाइड्स के अंदर कुछ ना कुछ डाटा ऐड ऑन करते जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने नोट्स के अंदर नोट ऑन कर लीजिएगा जो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट लगी प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से। क्लियर? तो आज की हमारी पहली न्यूज़ को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा कि इस न्यूज़ के रिगार्डिंग कि दिल्ली हाईकोर्ट हैज़ रूल्ड दैट, उन्होंने एक रूलिंग निकाली कि प्रिजम्पशंस ऑफ गिल्टी गिल्ट and grafted in the section 29 of the protection of the children from the sexual offences act 2012 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 2012 की gets triggered and applies only once the trial begin। clear है? लिखा गया that is after the charges are framed against the accused। clear है? एक ही बार हम लोग लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां पे लिखा गया कि क्या बोला गया कि इट सेज दैट व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड, अब कोई भी पर्सन अगर प्रोसिक्यूट होता है फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट अ माइनर, अब कंसेप्ट है कोई भी अगर पर्सन प्रोसिक्यूटेड होता है अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012, तो उसी कानून के अंतर्गत क्या लिखा गया कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट होता है अगेंस्ट द माइनर्स बिलो द 18 इयर्स, द स्पेशल कोर्ट, अब स्पेशल कोर्ट क्या करेगी, ट्राइंग करती है द केस शेल प्रिज्यूम द एक्यूज्ड टू बी गिल्टी। याद रखिए, उसको गिल्टी करार देने की जाती है, एक्यूज किया जाता है, ट्राई किया जाता है बाय द स्पेशल कोर्ट्स, ट्रायल्स शुरू कर दिए जाते हैं। यहाँ पे लिखा कि द क्वेश्चन ऑफ वेदर द प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट अप्लाइज ओनली एट द स्टेज ऑफ ट्रायल, अब कंसेप्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अरे स्टूडेंट्स देखिए, कोई ना कोई अगर न्यूज़ आई है उसके पीछे क्या कारण रहा वो न्यूज़ फ्रंट पे आने का, तो वो यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिखा गया है
अब क्वेश्चन अराइज हो गया है कि जब प्रिजम्पशंस ऑफ द गिल्ट अप्लाई करना है एक्यूज के ऊपर एट द स्टेज ऑफ ट्रायल, जब ट्रायल्स में स्पेशल कोर्ट्स में ट्रायल शुरू हो जाएंगे, और या फिर डज इट ऑल्सो अप्लाई व्हेन अ बेल प्ली इज बीइंग कंसीडर्ड, या फिर वो बेल के लिए कंसीडर करेगा एक्यूज क्रॉप्ड अप व्हाइल हियरिंग द बेल प्ली ऑफ अ 24-year-old मैन arrested for alleged sexual assault of a minor. Clear? तो ये था third point background. अरे क्यों news आई हमारी? ये वाली आगे लिखा कि अब ये clarify हो चुका है कि if a bail plea is being considered, अगर accused bail के लिए apply करता है in the special courts, अगर वो court उस बेल को कंसीडर करती है बिफोर चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड, चार्जेस लगने से पहले सेक्शन 29 हैज नो एप्लीकेशन. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? स्टूडेंट्स कोई डाउट रहता है, मैं हर एक सेशन में आपको यही बार दोहराता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई डाउट रहता है ना तो प्लीज आप बताइएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अपडेट देख रहा हूं आपके कमेंट्स को. अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपकी हेल्प कर पाऊंगा. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. यहां पे लिखा कि ओनली एट द स्टेज, अब एक ऐसा स्टेज आया जब व्हेन चार्जेस आर फ्रेम्ड डज द कोर्ट अप्लाई इट्स जुडिशियल माइंड टू वेदर देयर इज एनफ एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड टू फ्रेम अ प्रिसाइज एलिगेशंस व्हिच द एक्यूज्ड मस्ट आंसर. क्लियर? अगला कंसेप्ट आता है यहां पे कि द कोर्ट held that, अब कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट बोलता है कि that an accused cannot be asked to disprove their guilt. अब concept है, कोर्ट कभी ये नहीं बोलता है, कोर्ट यहां पे लिखा गया the court held that an accused cannot be asked, accused कभी नहीं बोल सकता है कि वो disapprove करेगा जो guilty में वो पकड़ा गया, even before the foundational allegations which supporting evidences that suggest guilt are placed by the prosecution before the court. Clear? आगे लिखा गया कि it is only once charges are framed. अब एक बार charges को frame किया गया that the accused know exactly what they are alleged to be guilty. अब accused को properly पता है कि उसने क्या guilty है, उसने क्या किया, ठीक है, क्या क्राइम कमिट किया है उसने, एंड देयरफॉर व्हाट गिल्ट दे आर रिक्वायर्ड टू रिबट डिनाई. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. यहां पे लिखा इट वुड बी डिसग्रेसफुल. अब ऐसा बोला क्यों गया कि डिसग्रेसफुल टू द फंडामेंटल क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस. अब कंसेप्ट है कि ये एक डिसग्रेसफुल की बात की गई है, किसके आधार पे? वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस टू आस्क द, क्यों अगर हम लोग एक्यूज को पूछते हैं टू डिस्क्लोज देयर डिफेंस, कि वो छुपा कर रखे. क्लियर? और वर्स स्टिल टू प्रेजेंट एविडेंस इन देयर डिफेंस इवन बिफोर द प्रोसिक्यूशन हैज मार्शल्ड इट्स एविडेंसेस. क्लियर? ये चीज आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पे अरे डिसग्रेसफुल का वर्ड जिक्र किया गया है, किसको लेकर? वो मौलिक अधिकार जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस को बताए दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं. आगे लिखा कि अर्लियर द रिवर्स बर्डन ऑन द एक्यूज्ड टू प्रूव हिज इनोसेंस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉक्सो एक्ट, कीपिंग इन द व्यू द लो कॉन्विक्शन रेट ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रंस. क्लियर? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा. बढ़े आगे. आगे चलते हैं. अब यहां पे लिखा गया द कोर्ट ऑल्सो सेट आउट फ्रेश नॉर्म्स व्हाइल डिसाइडिंग अ बेल प्ली एट द पोस्ट चार्ज स्टेज. अब कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कोर्ट क्या बोलता है. कोर्ट सेट आउट अ फ्रेश नॉर्म्स जब वो बेल के लिए कुछ डिसीजन दे सकेंगे. इट हैल दैट In addition to the nature and the quality of the evidences, अब nature और evidences की quality को देखते हुए the court would also factor in certain real life considerations. Clear है?
अब व्हाट डू यू मीन बाय रियल लाइफ कंसिडरेशंस? यहाँ पे देखिए, मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपके लिए यूज़ की है, तो यहाँ पे लिखा गया कि रियल लाइफ कंसिडरेशन फॉर द कोर्ट वाइल डिसाइडिंग द बेल। तो क्या है, कहते एज ऑफ द माइनर विक्टम, यानी कि द यंगर द विक्टम द मोर हैनियस द ऑफेंस अलेज्ड। एज ऑफ द एक्यूज, यानी कि द ओल्डर द एक्यूज्ड द मोर हैनियस द ऑफेंस अलेज्ड। देन आफ्टर कंपैरेटिव एज ऑफ द विक्टिम एंड द एक्यूज, का मतलब क्या रहेगा कि द मोर देयर एज डिफरेंस द मोर द एलिमेंट ऑफ द प्रिजर्वेशन सॉरी परवर्जन इन द ऑफेंस अलेज्ड। क्लियर है? इवन फैमिली रिलेशनशिप में भी लिखा गया द क्लोजर सच रिलेशनशिप्स द मोर ऑडियस द ऑफेंस अलेज्ड। बोलते हैं कि जब एक पर्सन, व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, अब एक पर्सन जब प्रोसिक्यूट हो चुका है, उसने कमिट कर लिया वो ऑफेंस को ऑफ अ सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट अ माइनर, तो स्पेशल कोर्ट क्या करता है, ट्राइंग द केस शेल प्रिज्यूम द एक्यूज टू बी गिल्टी, जो अभी हमने देखा है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं स्टूडेंट्स? आगे बढ़े। अब यहां पे देखिए, सेक्शन 29 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत क्या चीज है कि कहते सबसे पहले देखिए, इट वॉज एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। अब ये कानून क्यों आया, हमने एनेक्ट किया प्रोटेक्ट करना है बच्चों को, चिल्ड्रंस को, अरे किस चीज से, फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड द पोर्नोग्राफी विद ड्यू रिगार्ड फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड द वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रंस। ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। अरे यही तो एक आधार है, यही तो एक बेस रखा गया, व्हाई वी कंसीडर द पॉक्सो एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने बच्चों को बचाने, चिल्ड्रंस को फ्रॉम द सेक्सुअल असॉल्ट एंड द सेक्सुअल हरासमेंट। इवन लिखा गया इट डिफाइन, अब ये क्या दिखाता है कि अगर एक बच्चा, अ चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द 18 ईयर्स ऑफ द एज, अगर उसकी एज 18 ईयर्स से कम है, एंड रिगार्ड्स द बेस्ट इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रंस, अब उसके उसके इंटरेस्ट और वेलफेयर को देखते हुए चिल्ड्रन के एज अ मैटर ऑफ द पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब है बिल्कुल टॉप पे रखना, पैरामाउंट ही एकदम टॉप पे रखना होता है कि इम्पॉर्टेंस एट एवरी स्टेज, उसकी हर एक स्टेज पे टू एंश्योर, ताकि वो एंश्योरिटी ले सके भारत सरकार से या सोसाइटी से भी, बच्चा टू एंश्योर द हेल्दी फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे ना ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्यों, अरे इंश्योरिटी दी गई है हेल्थ को लेकर, उसके इमोशंस को लेकर, इंटेलेक्चुअल एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड को लेकर। क्लियर? ये चीज थोड़ी सी आप लोग बेस मान सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। इवन लिखा गया कि इट डीम्स अ सेक्सुअल असॉल्ट टू बी एग्रावेटेड अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। अब ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, लाइक सच एज when the abused child is mentally ill or when the abuse is committed by a person in a position of trust or the authority, like the act stipulates that a case of child sexual abuse must be disposed of within 1 year from the date of offences reported। अरे ये चीज important रहेगी। अभी हमने पढ़ा था ना, why we use the term special courts, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है कि अगर इस कानून के अंतर्गत कोई भी केस दर्ज किया जाता है भारत के अंदर, कि the act stipulates that a case of the child sexual abuse must be disposed of within 1 year from the date of the offence is reported। 1 साल के अंतर्गत वो केस को सॉल्व आउट करना है। क्लियर है? आगे लिखा कि इट वॉज अमेंडेड इन द अगस्त 2019। अब इसको अगस्त 2019 में अमेंड किया गया, कुछ चेंजेस लेकर आए गए थे, क्यों, ताकि हम लोग मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स दे सके, यानी कि अगर मैं इसका ऑपोजिट बोल दूं, ताकि हम जो बोल रहे हैं कि हेल्दी फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन है, उसको 100% दे सकें एक चाइल्ड को, इंक्लूडिंग द डेथ पेनाल्टीज। इवन डेथ पेनाल्टीज भी अब दी जाती हैं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फॉर द सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट द चिल्ड्रंस। क्लियर है स्टूडेंट्स?
शैल वी प्रोसीड फर्दर? ओके, तो हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज रहेगी इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जीएस, एक मिनट, जीएस पेपर टू एंड जीएस पेपर थ्री के लिए शुरू करूं? ओके, अब ध्यान से देखना, भारत और म्यांमार को लेकर रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशन में काफी रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया जाएगा। तो देखिए, लिखा अ टू डे विजिट बाय द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने जो विजिट किया, एंड द आर्मी चीफ, भारत का आर्मी चीफ म्यांमार के अंदर कंप्लीटेड विद ग्रेटर एंगेजमेंट बिटवीन द इंडिया एंड द म्यांमार। क्लियर? अब अगर भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड आर्मी चीफ ने विजिट किया म्यांमार के अंदर, तो वो अगर किया तो उस टाइम पे क्या दोनों डायलॉग्स के, दोनों डिप्लोमेट्स के बीच में क्या क्या डायलॉग्स हुए वो देखिए। सबसे पहला लिखा गया हेल्थ एंड द पैंडमिक, यानी कि लॉकडाउन को लेकर, कोविड 19 को लेकर, कि एज अ पार्ट ऑफ द इंडियाज मेडिकल और द ड्रग डिप्लोमेसी, भारत सरकार की तरफ से मेडिकल या फिर ड्रग्स, यानी कि मेडिसिन को लेकर अ पैकेज ऑफ 3000 वायल्स ऑफ द एंटीवायरल रेमडेसिवियर गिवन टू एसिड्स म्यांमार इन इट्स फाइट अगेंस्ट द पैंडमिक। तो भारत सरकार की तरफ से, याद रखें, भारत सरकार की तरफ से अंडर द मेडिकल और द ड्रग डिप्लोमेसी बिटवीन द इंडिया एंड द म्यांमार, भारत ने 3000 वायल्स ऑफ रेमडेसिवियर इंजेक्शंस के म्यांमार को गिफ्ट किए हैं टू फाइट अगेंस्ट द कोविड 19 पैंडमिक। क्लियर है? जो काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया जा रहा है स्टूडेंट्स, रेमडेसिवियर इंजेक्शंस को, जो एक एंटीवायरल है। क्लियर? आगे लिखा कि इंडिया हैज शोन विलिंगनेस टू प्रायोरिटाइज द म्यांमार इन शेयरिंग कोविड 19 वैक्सीन्स व्हेन अवेलेबल। क्लियर? इवन लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्रिलिम पर्सपेक्टिव से याद रखें, मैं आपको इसका आज बैकग्राउंड भी करवाऊंगा। यहां पर लिखा है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे क्या लिखा, यहां पे लिखा ऑपरेशनलाइज ऑफ द क्रूशियल सीटवे पोर्ट इन द म्यांमार्स रखीन स्टेट बाय द मार्च 2021 इज कमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये पोर्ट, क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, अब लोग हम अभी आज के आज ही पढ़ेंगे, बस आप लोग एक दो मिनट का टाइम दीजिए मुझे। यहां पे लिखा द टू साइड्स, अब भारत और म्यांमार के बीच में दोनों तरफ, ऑल्सो डिस्कस progress in the ongoing India assisted infrastructure project such as the India Myanmar Thailand trilateral highway, again important, prelim perspective से बहुत important है, plus mains perspective से याद रखें, दोनों देशों के बीच में international relations, भारत और म्यांमार को लेकर, even Thailand trilateral highway जो बनाया जा रहा है, and the Kaladan multimodal transit transport project। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स मैं यहीं तक रोकता हूं कि कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्या चीज है, आप लोग यहां पे अब डाटा एड ऑन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट? अब देखिए, यहां पे नंबर वन लिख रहा हूं मैं, तो ये क्या चीज है, कहते इट वॉज ज्वाइंटली आइडेंटिफाइड बाय द इंडिया एंड म्यांमार। अरे, दोनों की तरफ से आइडेंटिफाई किया गया था, भारत की तरफ से भी एंड म्यांमार की तरफ से भी, इंडिया एंड म्यांमार
टू क्रिएट अ मल्टी मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. दोनों देशों की तरफ से मल्टी मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शिपमेंट ऑफ कार्गो. कहां से? फ्रॉम द ईस्टर्न सीपोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के ईस्ट वाले समुद्र तट से, ठीक है ना, टू म्यांमार एंड टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू म्यांमार. ये एक बेसिक चीज मैं बता रहा हूं आपको कि जो हमने लिखा है ना कि कालदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है और उसी के अंतर्गत क्या चीज है. स्टूडेंट्स एक और पॉइंट नोट कीजिए, यहां पे लिखा कि ये जो प्रोजेक्ट है कि दिस प्रोजेक्ट कनेक्ट. अभी हमने एक पॉट को पढ़ा था जो बोला गया कि 2021 तक तैयार हो जाएगा, वो है आपका सीचुरे पॉट इन म्यांमार टू इंडिया म्यांमार बॉर्डर इज एक्सपेक्टेड टू. अरे किस चीज की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है? एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. याद रखिए ये कनेक्शन होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है. मैं फर्दर यहां पे कंटिन्यू करता हूं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लियर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि सेवन सिस्टर्स की बात की गई है डायरेक्टली यहां पे, क्लियर है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. और लिखा कि इट ऑल्सो एन ऑल्टरनेट रूट टू द इंडिया नॉर्थ ईस्ट बाईपासिंग द सिलीगुड़ी कॉरिडोर. क्लियर है, कोई डाउट? ओके आगे बढ़ते हैं. तो यहां पे है जो हमने डिफाइन किया कालादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को. क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चले, इवन लिखा गया कि ये तो हमने चीजें डिस्कस कर ली. अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि द प्रोजेक्ट विल लिंक कोलकाता टू सिटवे इन द म्यांमार एंड देन फ्रॉम द म्यांमार कालदन रिवर टू द इंडिया नॉर्थ ईस्ट. याद रखें प्रिलिम्स प्लस मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये वाला आपका प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. सेकंड लास्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका प्रिलिम प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से. क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे आगे बढ़ें. तो यहां पे लिखा गया कि भारत ने इंडिया हैज बीन कंसर्न्ड ओवर सम मिलिटेंट ग्रुप्स. अब भारत कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को भी लेकर कंसर्न इशू कर रहा है, सॉरी फेस कर रहा है. ग्रुप्स लाइक द यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट जो आप लोग बोलते UNLF एंड द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ द बोडोलैंड. कहां से? वो आपका फेस किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन टेकिंग शेल्टर इन द म्यांमार. क्लियर? आगे लिखते हैं यहाँ पे कि ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी के अंतर्गत दोनों देशों के ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी के लिए कि म्यांमार सक्सेसफुली कंडक्टेड द फोर्थ मीटिंग ऑफ द 25th सेंचुरी पैंगलोंग पीस कॉन्फ्रेंस इन द नए पाई टॉप. इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. यहां पे मैं ये चीज आपके लिए प्रिलिम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं स्टूडेंट्स.
म्यांमार ने रिसेंटली फोर्थ मीटिंग को हेल्ड किया। अरे कौन सी फोर्थ मीटिंग? वो थी आपकी 21st सेंचुरी पैंगलोंग पीस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी नए पीतो में। क्लियर है? इवन आगे लिखा गया द यूनियन पीस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे देखिए द यूनियन पीस कॉन्फ्रेंस के आधार पे जो 21st सेंचुरी पैंगलोंग थी वो है इज अ कॉन्टिन्यूइंग पीस कॉन्फ्रेंस जो स्टार्ट किया गया था 2016 में। क्लियर? 2016 में स्टार्ट किया गया था और टू हैव अ स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अरे क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड रहेगा और वो बैकग्राउंड था हमें स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाना है म्यांमार के अंदर विद पीसफुल ट्रांजिशन इनटू डेमोक्रेसी। क्लियर है स्टूडेंट्स? याद रखें ये आपका सेकंड और थर्ड पॉइंट यूपीएससी परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हालांकि लिखा गया इसके आउटकम्स क्या आए फोर्थ मीटिंग होने के बाद। कौन सी फोर्थ मीटिंग स्टूडेंट्स? वो थी जो 21st सेंचुरी पैंगलोंग वाली मीटिंग थी। तो उसके आउटकम्स आए कि म्यांमार की सरकार द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार एंड द 10 आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स साइंड अ फ्रेमवर्क। यानी कि म्यांमार की सरकार और 10 एथनिक ग्रुप्स के बीच में साइंड होते हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता है किसको लेकर? फॉर द नेशनल सीज फायर एग्रीमेंट NCA को लेकर। क्लियर? अब इसके अंदर भारत का क्या रोल प्ले किया गया तो देखिए आप लोग। लिखा कि इंडिया ने सपोर्ट किया, इंडिया एश्योर्ड कॉन्टिन्यूड सपोर्ट इन शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। अरे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत ने जो आउटकम्स आए 21st सेंचुरी पैंगलोंग वाली मीटिंग को लेकर तो भारत ने एश्योरेंस दिखाई है म्यांमार को और कंटिन्यू रखेगा सपोर्ट इन शेयरिंग एक्सपीरियंसेस इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द फेडरलिज्म टू एसेट्स म्यांमार इन इट्स डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडिया का रोल प्ले करना दिखाया गया है और भारत 21st सेंचुरी पैंगोंग मीटिंग को लेकर क्या विचार है वो चीज दिखाई गई यहाँ पे। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि इंडिया केम फॉरवर्ड, भारत अब आगे आया फॉर द सपोर्ट। अरे किसकी सपोर्ट के लिए? फॉर एंश्योरिंग द सेफ सस्टेनेबल स्पीडी रिटर्न ऑफ द रोहिंग्या रिफ्यूजीज फ्रॉम द रिफ्यूजी कैंप्स ऑफ द बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है, ये ट्राइबल्स हैं, बिल्कुल है ना, और रोहिंग्यास तो भारत इनको भी सपोर्ट कर रहा है। इवन लिखा गया कि बिल्डिंग ऑन द प्रोग्रेस मेड अंडर द रखीन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम RSDP। ये है क्या चीज? RSDP कंसेप्ट है। बस एक मिनट रुकिए, पहले हम लोग ये वाला पैरा को कवर अप कर लेते हैं, देन फिर हम लोग आज ही इसी के ऊपर एक डाटा एड ऑन भी करेंगे कि रखीन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ने प्रपोज किया टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। भारत ने ये एक प्रोजेक्ट है RSDP और भारत ने प्रपोज किया और फाइनलाइज किया अंडर द फेज 3 ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर? इंक्लूडिंग, अरे RSDP के अंतर्गत ही एक और चीज भी एड ऑन की गई कि सेटिंग अप ऑफ अ स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड अपग्रेडिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब स्टूडेंट्स आप लोग यहां पे, अरे एक मिनट, आप लोग यहां पे देखिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय RSDP। RSDP यानी कि आप लोग इसको क्या बोलते हो? रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर? तो इसी के अंतर्गत स्टूडेंट्स क्या चीज है? नंबर 1, हम लोग यहां पे बेसिक डेफिनेशन की यूज कर रहे हैं और प्लीज इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा ये चीज क्योंकि इसके अंदर भारत का रोल प्ले किया जा रहा है। तो लिखा गया कि इंडिया हैज हैंडेड ओवर 250 प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस
टू म्यांमार। भारत ने 250 प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस को हैंड ओवर किया, बनाकर म्यांमार को दिया गया। अरे क्यों? फॉर यूज ऑफ डिस्प्लेस्ड रिटर्नीज फ्रॉम बांग्लादेश। यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली किसकी बात की जा रही है स्टूडेंट्स? रोहिंग्यास की बात की जा रही है। क्लियर? हमने पहले ही पॉइंट पढ़ा था कि भारत ने सपोर्ट किया था रिफ्यूजीज को, और आगे देखा गया कि इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, जस्ट अ सेकेंड, इंडियन गवर्नमेंट हैड टेकन अप द प्रोजेक्ट अंडर इट्स RSDP। तो ये जो आपके 250 हाउसेज हैं, ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत आए थे भारत के लिए? ये भारत ने लॉन्च किया था अंडर द रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़े तो यहां पे हमने देख लिया, इवन लिखा गया था ना कि अपग्रेडिंग ऑफ द एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशंस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम पर्सपेक्टिव से, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इवन लिखा गया अ बस्ट ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन द मंडेला जेल इज अ सिंबॉलिक गेस्चर फॉर अ क्लोजर रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग द म्यूचुअल एग्जिस्टेंस। काफी ज्यादा अब रोल प्ले किया जाएगा हमारे मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। याद रखें, बाल गंगाधर तिलक इन मंडेला जेल, जो एक सिंबॉलिक गेस्चर है फॉर अ क्लोजर रिलेशनशिप्स एंड अंडरस्टैंडिंग अ म्यूचुअल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है यहाँ पे, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो हमने देखा ना बाल गंगाधर तिलक जी का कि मंडेला जेल कनेक्शन क्या चीज है, तो देखें यहां पे कि बिटवीन 1908 से लेकर 1914 तक, 1908 से लेकर 1914 तक के दशक के अंदर लिखा गया कि ही स्पेंड 6 years इन द मंडेला प्रिजन फॉर डिफेंडिंग द एक्शंस ऑफ द रेवोल्यूशनरीज खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चकी। इंपॉर्टेंट, अगेन प्रिलिम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर? ये आपका करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चकी के बारे में लिखा कि हैड ट्राई टू असासिनेट द डिस्ट्रिक्ट जज, वो कौन थे? मिस्टर Kingsford, by throwing the bomb at the carriage in which he was supposed to travel. Again important, again आपका prelim perspective important, clear है? आगे बढ़े, आगे लिखा कि इन्वेस्टमेंट को लेकर, भारत और म्यांमार को लेकर कि विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 1.2 billion यूनाइटेड स्टेट यूएस dollars, म्यांमार हैज हाईएस्ट इंडियन इन्वेस्टमेंट इन एनी कंट्री इन द साउथ एशिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लिखा कि यहां पे मैंने कुछ मैप भी यूज किया है म्यांमार को लेकर, और लिखा कि इंडिया और म्यांमार के बीच में हैव शेयर्ड कल्चरल रूट्स एंड हिस्टोरिकल रिलेशंस। अब हिस्टोरिकल रिलेशंस अभी रिसेंटली हमने देख चुके हैं, क्लियर है ना? अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड द पॉलिटिकल टाइज। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ा जाए, इन दोनों देशों के बीच में जो इंटरनेशनल लेवल पे भी समिट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे कौन कौन मेंबर रह चुका है? तो देखिए कि म्यांमार इज अ मेंबर ऑफ बोथ एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन ASEANs। म्यांमार भी इसका मेंबर है। इवन लिखा गया कि विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईस्ट एशियन नेशन एज वेल एज द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसको आप लोग बोलते हो बिम्स्टेक, विच ब्रिजेस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहां पे क्या लिखा गया कनेक्टिविटी को लेकर, कहते कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स थ्रू म्यांमार हेल्प इंडिया ओवरकम इट्स चिकन नेक डायलेमा। यानी कि अरे इंपॉर्टेंट, ये चिकन नेक क्या चीज रहेगी जो काफी ज्यादा पेपर में भी पूछा जाता है, वो है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अभी हमने पढ़ा भी था स्टूडेंट्स, याद रखें कालधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत जो हम लोग शुरू कर रहे हैं नए पॉट को, वो एक आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास भी कर देगा, और यहाँ पे उसका जिक्र भी किया गया। क्लियर है ना? और लिखा कि म्यांमार इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। क्लियर? कोई डाउट? अरे यहाँ पे लिखा है ना डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखना, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं ना म्यांमार, हालांकि है तो बेसिक बट मैं फिर भी आप लोग के लिए शेयर कर लेता हूं, म्यांमार को लेकर अरुणाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सो दीज आर द फोर स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट शेयर इट्स बाउंड्री विद द म्यांमार। और तभी तो हमने लिख दिया, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी जो भारत के राज्य हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है, और तभी तो हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इवन लिखा गया कि जो म्यांमार है वो स्टैंड करता है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट एंड द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्लियर है? एंड इंडिया म्यांमार पार्टनरशिप इज एट द हार्ट ऑफ द इंडियाज विजन टू क्रिएट कनेक्ट एंड कोऑपरेटिव नेबरहुड। ये दोनों देशों के बीच में बताया गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर भी बताया गया। क्लियर? अब रिसेंटली क्या हुआ है, भारत और म्यांमार हैज साइंड 10 एग्रीमेंट्स, दोनों देशों ने 10 एग्रीमेंट्स के बीच में साइन किया है विद अ फोकस ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द म्यांमार। और जो 10 एग्रीमेंट्स हुए हैं वो क्या बेस रखा गया, वो बेस रखा गया आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द म्यांमार ड्यूरिंग द म्यांमार प्रेसिडेंट यू विन मिंट विजिट टू इंडिया। और जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना कि आपका कौन कौन सा पॉट रहेगा, वो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। क्लियर है? दिस इज अ प्लैंड डीप पॉट यहां पे। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है कि म्यांमार ग्रोइंग क्लोजनेस विद चाइना एंड द रीसेंट प्रपोजल ऑफ द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इंडिया। हालांकि देखा जाए म्यांमार के चाइना के साथ जो रिलेशन बन रहे हैं, और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा कि सी मैक की अगर बात कर लें, वैसे ही सी पैक भी है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वैसे ही चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भारत भी कंसर्न शो कर रहा है एमिड्स ग्रोइंग द इंडिया चाइना टेंशन। क्लियर? तो ये चीज भी यहाँ पे भी भारत को ओवरकम किस तरीके से करना पड़ेगा, ये इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज रहेगी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU अंडर द PM स्वनिधि, वो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी GS Paper 2 एंड GS Paper 3 के लिए। स्टूडेंट्स क्लियर है? बढ़े आगे। तो देखिए यहां पे क्या लिखा गया कि द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर, अब कंसेप्ट पे ध्यान रखना, यहां पे लिखा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर भारत का मंत्रालय हैज एंटर्ड इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भारत का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय ने MOU साइन किया स्विगी कंपनी के साथ टू ऑन बोर्ड स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑन इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अरे स्ट्रीट फूड वेंडर्स को भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्कीम। क्लियर है? अब यहां पे लिखा दिस मूव, अब ये जो मूव किया गया ये एक पार्ट है
प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो आप लोग बोलते हो पीएम स्वनिधि, और आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाटा एड ऑन कर लीजिए प्लीज, प्रधानमंत्री स्वनिधि के ऊपर। तो पीएम स्वनिधि, तो क्या चीज है स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, बस आप लोग मेरे साथ बने रहें, हम इसी तरीके से हर एक न्यूज़ को आराम से और वेल डिटेल मैनर में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये भारत का मंत्रालय जिसने लॉन्च किया था, लॉन्च्ड प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, क्लियर है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे, फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स, क्लियर है। अरे बस एक मुद्दा रह गया यहाँ पे, एक यहाँ पे बेस पॉइंट तो यही रहेगा ये स्कीम को लॉन्च करने का, ताकि प्रोवाइड किया जा सके अफोर्डेबल लोन स्ट्रीट वेंडर्स को, और कितना, 10,000 रुपीज का, क्लियर। हालांकि हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को पहले भी काफी अच्छा डिटेल में पढ़ा है, अब इसके अंदर कुछ और चेंजेस आए, एमओयू है, तब हम लोग इसको फिर से देख रहे हैं। तो यहां पे एक और चीज आप लोग डाटा एड ऑन करें कि जो आपकी स्कीम है, द स्कीम वुड बेनिफिट वेंडर्स, हॉकर्स ठेले वाला, पीपल इन्वॉल्व्ड, और वो पीपल जो इन्वॉल्व हो चुके हैं गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर। अरे कौन सी सर्विसेज, रिलेटेड टू द नंबर वन एप्रल्स, टेक्सटाइल्स, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, आर्टिसन प्रोडक्ट्स, क्लियर है। ये चीज थोड़ी सी फोकस करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका, बार्बर शॉप्स, एंड फिफ्थ वन इज योर लॉन्ड्री सर्विसेस। सो दिस इज योर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, क्लियर है। तो यहां पे लिखा गया एंड अपडेटेड एंड मॉडिफाइड वर्जन, अरे अपडेटेड और मॉडिफाइड वर्जन है प्रधानमंत्री स्वनिधि डैशबोर्ड का, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है यूजर्स को, नॉट ओनली विद अ बेटर ग्रैनुलर व्यू ऑफ द स्कीम परफॉर्मेंसेस, अरे और भी क्या है, और डाटा एड ऑन कर दिया गया एमओयू को लेकर, बट ऑल्सो विद एडिशनल टूल्स फॉर द कंपेरिजन हैज ऑल्सो बीन लॉन्च्ड, क्लियर। इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट, क्योंकि ये बैकग्राउंड दिखा रहे न्यूज का, क्यों आई ये न्यूज आगे होकर, क्लियर है। आगे लिखा गया टू रेडिकली ट्रांसफॉर्म द बिजनेस, अरे बिजनेस को हमने और एक्सपैंड करवाना है स्ट्रीट वेंडर्स के अक्रॉस द सिटीज, बाय किस तरीके से, बाय फैसिलिटेटिंग देम टू रिसीव ऑर्डर्स एंड सर्व कस्टमर यूजिंग द ऑनलाइन मोड ऑफ बिजनेस, क्लियर है स्टूडेंट्स। फर्दर पढ़ते हैं कि टू एम्पावर द स्ट्रीट वेंडर्स, अब अगर उनको एम्पावर करना है स्ट्रीट वेंडर्स को विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट द ग्रेटर इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, अरे ये डायरेक्टली आप लोग किसको बात कर रहे हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोग एक स्टेप और मूव करके लेकर चले जा रहे हैं आगे तक, क्लियर है ना, थ्रू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अब इस तरीके से पहली बार जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय भारत का एंड स्विगी विल रन अ पायलट प्रोग्राम, ये दोनों मिलकर अ पायलट प्रोग्राम चला रहे हैं बाय ऑन बोर्ड 250 वेंडर्स अक्रॉस द 5 सिटीज, वो कौन कौन से शहर है, प्रिलिम परस्पेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। एक है अहमदाबाद,
ठीक है, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर एंड वाराणसी, आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये मेट्रो सिटीज हैं भारत के। आगे लिखते हैं कि अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट, जो भी ये शुरू किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड स्विगी प्लान टू एक्सपैंड दिस इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री इन द फेज। जब ये खत्म हो जाएगा पायलट प्रोजेक्ट, फिर स्विगी और मंत्रालय मिलकर पूरे भारत के अंदर ये फेज को शुरू करेंगे। खैर, अब फिर से पढ़ लीजिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम को लेकर कहते हैं, इसको अनाउंस किया गया था इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज 2 के अंतर्गत अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, बिल्कुल ठीक है, और हमने ये देखा भी था, क्लियर, इवन लिखा कि इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड सिंस 1 जून 2020, 1 जून 2020 से शुरू किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग, अरे किस चीज को लेकर फॉर प्रोवाइडिंग, एक मिनट, फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू द स्ट्रीट वेंडर्स टू रिज्यूम देयर लिवलीहुड दैट हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन विद अ सेंक्शन बजट ऑफ 700 करोड़। इंपॉर्टेंट, अगेन ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर एक स्टेप और फॉरवर्ड किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक आगे बढ़े। तो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत क्या चीज है, ये स्कीम बेनिफिट देती है 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, याद रखें 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ये स्कीम आपकी बेनिफिट दे रही है स्टूडेंट्स, क्लियर। इवन लिखा हु हैड बीन वेंडिंग ऑन बिफोर 24th मार्च 2020 अर्बन एरियाज में, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द सराउंडिंग पेरी अर्बन रूरल एरियाज, क्लियर, और लिखा गया। और देखिए ये चीज प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम प्रमोट भी कर रही है डिजिटल ट्रांजेक्शन को, क्लियर है ना, और कहते कैश बैक भी मिलेगा 1200 रुपये पर साल, पूरे साल के अंदर कैशबैक 1200 पर एनएम का, और लिखा द वेंडर कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ 10,000 रुपीज, जो अभी हमने देखा था, विच इज रीपेबल इन द मंथली इंस्टॉलमेंट इन टेन्योर ऑफ द 1 ईयर, तो एक साल के अंतर्गत, एक मंथली टेन्योर के अंतर्गत वो वापस भी चुकाना है, क्लियर, ऑन टाइमली अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन, अगर टाइम पे और जल्दी या फिर ये लोन चुकाया जाता है, और एन इंटरेस्ट सब्सिडी 7% पर एनम विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन एन क्वार्टरली बेसिस, तो 7% पर एनम का क्रेडिट भी ट्रांसफर किया जाएगा, क्लियर। लिखा अब ऐसा नहीं है, नो पेनल्टी और ऑन अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन, क्लियर, द वेंडर कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ द एनहांस्ड क्रेडिट लिमिट ऑन टाइमली अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन्स, तो ये बेनिफिट्स भी दिखाए गए हैं। चलें आगे, तो ये रहा आपका, लिखा गया स्पेशल माइक्रो क्रेडिट स्कीम है 10,000 रुपीज फॉर द 1 ईयर, और स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड टिल द मार्च 2022, और इट कवर द अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस द इंडिया, क्लियर है स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। आगे बढ़ते हैं, यहां पे इसी के अंतर्गत क्या लिखा कि अक्टूबर 2020 से 20 लाख लोन एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव, तो आप लोग देख लीजिए 20 लाख एप्लीकेशन लग चुके हैं अक्टूबर 2020 तक, यानी कि कितना पैसा सेंक्शन कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से, 7.5 लाख लोन हैव बीन सेंक्शनड, क्लियर। However, only 2 lakh applications have received the money so far, with official applicants pointing to a number of hurdles that are slowing the process. और लिखा कुछ बैंक्स ने आर सीकिंग एप्लीकेशन ऑन स्टैम्प पेपर वर्थ ₹100 एंड ₹500, स्टैम्प पेपर्स के लिए भी बात की गई है। इवन लिखा कि देयर हैव ऑल्सो बीन इंस्टांस ऑफ बैंक सीकिंग पैन कार्ड्स एंड इवन चेकिंग द सिबिल और द क्रेडिट स्कोर ऑफ द एप्लीकेंट और द स्टेट अथॉरिटीज आस्किंग फॉर द वोटर आई डी कार्ड विच में माइग्रेंट वेंडर्स डू नॉट कैरी विद देम, क्लियर। तो ये कुछ हर्डल्स आए यहाँ पे, जो चैलेंजेस ओवरकम करने हैं हमें, क्लियर है। तो
आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है स्टूडेंट्स, नोबेल प्राइज फॉर द साइकोलॉजी एंड द मेडिसिन 2020, ये आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट रहेगी। जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के लिए, शैल वी स्टार्ट? ओके, तो यहां पे लिखिए, देखा गया कि अमेरिकन्स कौन कौन है, एक आ रहे हैं हार्वे जे ऑल्टर, क्लियर, हार्वे जे ऑल्टर एंड चार्ल्स एम राइस एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट मिकल हॉक्टन, ये तीनों, दो अमेरिकन्स और एक ब्रिटिशर वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द मेडिसिन या फिर आप बोलते साइकोलॉजी 2020, क्लियर है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस, इंपॉर्टेंट, क्लियर है। इवन बोला गया कि द हेपेटाइटिस सी वायरस वॉज डिस्कवर्ड इन 1982 में इसको डिस्कवर किया गया था बाय स्क्रीनिंग मिलियंस ऑफ डीएनए सैंपल्स। अब स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय हेपेटाइटिस, यहां पे आप लोग एक डाटा एड ऑन कीजिए बस, जस्ट अ सेकेंड, तो व्हाट डू यू मीन बाय हेपेटाइटिस, तो देखें लिखा गया कि द वर्ड हेपेटाइटिस रेफर्स टू एन एनी inflammation of the liver, the irritation or irritation or swelling of the liver cells from any cause, clear students? और अगर यहां पे लिखा जाए ये क्रॉनिक डिजीज है, कहते इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक, याद रखें, क्लियर है ना। और यहां पे मैं आपको एक चीज बोल देता हूं कि सिरोसिस एक ऐसा डिजीज है जो लीवर के लिए वर्ड यूज किया गया है, सिरोसिस द डिजीज कनेक्टेड विद द लीवर, क्लियर है। तो लिखा द नोबेल अवार्ड केम विद गोल्ड मेडल एंड द प्राइज मनी ऑफ 10 मिलियन स्वेडिश क्रोनर्स, यानी कि ओवर 1 लाख, कितना रहेगा ये वाला, सॉरी आई एम सॉरी, ये आपका रहेगा 1,18,000 USD dollars का, क्लियर है, एंड वॉज क्रिएटेड बाय द स्वेडिश इन्वेंटर्स एल्फ्रेड नोबेल, इंपॉर्टेंट, ये बैकग्राउंड दिखाया गया, क्लियर है। और लिखा गया कि यहां पे देखिए कि कौन कौन है, हार्वे ऑल्टर, ब्रिटसन हॉकटन्स एंड चार्ल्स राइस, याद रखें इन सब में से दो आपके अमेरिकन साइंटिस्ट, दैट इज योर हार्वे जे ऑल्टर्स एंड चार्ल्स एम राइस, और ब्रिटिशर कौन है आपके, मिकल हॉकटन, क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो हेपेटाइटिस की अगर बात की जाए तो लिखा गया कि हेपेटाइटिस रेफर करता है एक इंफ्लामेटरी कंडीशंस ऑफ द लीवर को, क्लियर है। और लिखा गया कि इट्स कॉमनली कॉज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन, क्लियर है, बट देर आर अदर पॉसिबल कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस लाइक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, मेडिकेशंस, ड्रग्स, टॉक्सिक्स एंड एल्कोहल। इवन ये नहीं है कि वायरल इन्फेक्शन से ही लिवर में प्रॉब्लम रहती है, आप लोग ओवर मेडिसिन से, रिएक्शन से, ड्रग्स, एल्कोहल से भी लिवर में प्रॉब्लम रहनी शुरू हो सकती है या लिवर डिजीज हो सकता है, क्लियर है। तो अगर हम बात करें आज तक हेपेटाइटिस, देर आर 5 मेन हेपेटाइटिस वायरसेस, दैट इज योर टाइप ए बी सी डी एंड ई, क्लियर है।
और लिखा कि जो आपका द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 28th of July टू एनहांस द अवेयरनेस ऑफ द वायरल हेपेटाइटिस। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैं आपको फिर से एक चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस हो गया। सबसे ज्यादा प्रिलिम परस्पेक्टिव से आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग ये सारे साइंटिस्ट के नाम्स को अंडरलाइन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और अमाउंट मनी आपके सामने लिखी हुई है। क्लियर है? और आपको कोई डाउट तो नहीं है? फिर भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस को देखिए। यहां पे लिखा 5 मेन हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए यहां पे। तो लिखा एक, सबसे पहले हेपेटाइटिस सी इज द मेन सीरियस टाइप एंड स्प्रेड थ्रू द ब्लड, याद रखिएगा। नेक्स्ट आया हेपेटाइटिस ए फाउंड इन द फीस ऑफ दोस इन्फेक्टेड पीपल, और अगर मैं बी की बात करता हूं ये स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। क्लियर? और ई को अगर देखा जाए तो ट्रांसमिटेड बाय द फूड और द वॉटर, और हेपेटाइटिस डी कैन ओनली बी कॉन्ट्रेक्टेड इफ यू ऑलरेडी हैव HBV, यानी कि हेपेटाइटिस डी तब होगा व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम द हेपेटाइटिस बी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? फर्दर आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। तो हेपेटाइटिस सी क्या चीज है देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा गया कि जो जो हेपेटाइटिस सी है वो कॉज करता है बाय द हेपेटाइटिस सी वायरस, यानी कि HCV। क्लियर? इवन लिखा गया कि इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू, अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड, या फिर टिपिकली थ्रू द इंजेक्शन, ड्रग यूज एंड द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, यानी कि या फिर एक इंजेक्शन को दोबारा से इंजेक्ट किया गया कोई अदर बॉडी के अंदर, यानी कि जो ड्रग्स एडिक्टेड के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है, या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो जाए। क्लियर? यहां पे लिखा गया, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड में अबाउट 71 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड हैव क्रॉनिक इन्फेक्शन विद द हेपेटाइटिस सी वायरस, विच इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ लीवर कैंसर, जो यानी कि HCV वायरस ही मेजर कॉज बनेगा लीवर के अंदर कैंसर होने का। क्लियर? आगे लिखा कि अ वैक्सीन फॉर द डिजीज हैज स्टिल नॉट बीन डेवलप्ड, अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है, बट इट कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ एंटी वायरल ड्रग्स। क्लियर? आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए अब हेपेटाइटिस इन इंडिया, भारत को लेकर क्या चीज है। तो लिखा गया कि 40 मिलियन पीपल आर क्रॉनिकली इन्फेक्टेड, भारत के अंदर 40 मिलियन पीपल हैं जो क्रॉनिकली इन्फेक्टेड हैं हेपेटाइटिस बी वायरस को लेकर, एंड 6 to 12 मिलियन विद हेपेटाइटिस सी वायरस। तो 40 मिलियन हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए इन्फेक्टेड हो चुकी है और 6 to 12 मिलियन हेपेटाइटिस सी वायरस पीपल आर इन्फेक्टेड। क्लियर? अब लिखा 2018 के अंतर्गत, इन 2018 द नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो बोला गया NVHCP लॉन्च किया गया, विच हैज द टारगेट टू एलिमिनेट द हेपेटाइटिस सी बाय 2030, और दिस प्रोग्राम इज द लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर द हेपेटाइटिस बी एंड सी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। अगेन इंपॉर्टेंट कि क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इसको एलिमिनेट करने के लिए। इवन जो हेपेटाइटिस बी है इंक्लूड अंडर द इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP जो आप बोलते हो, विच प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन अगेंस्ट अ टोटल ऑफ 12 वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? ओके, आगे बढ़े और याद रखें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है आपका, ये लॉन्च किया गया था 1985 में। क्लियर? आगे बढ़े, यहां पे लास्ट पॉइंट देखिए कि द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA बेस्ड वैक्सीनेशन फॉर द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन वॉज मेड इन इंडिया बाय द हैदराबाद बेस्ड, कौन है वो है सांथा बायोटेक। अगेन इंपॉर्टेंट,
सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास आगे भी न्यूज पड़ी है, बट ड्यू टू द टाइम मैं आज का सेशन यहीं तक रोकता हूँ। किसी को ये सेशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम रहती, कोई डाउट रहता है, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसी तरीके से इसको देखते रहिए और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा रिव्यू करें। क्लियर है? क्योंकि ये आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल देगा इन द UPSC सिविल सर्विसेज 2021 एग्जामिनेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।